वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आज आई हूँ राम मंदिर और ये मंदिर बहुत ही भव्य है। आप एक बार यहाँ जरूर आए, आपको भी आके अच्छा लगेगा। हाय ब्यूटीज, आई एम सलोनी और हमारा चैनल हेलो ब्यूटी विद सलोनी में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग उर्मान जी पहुँच गए हैं और ये उर्मान जी चौक है। चौक से सीधा पड़ता है, उसी से आपको जाना है, सीधा ही आपको मंदिर पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग ने एक बार आया था तो मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत देखा था। इस मंदिर के बारे में आप लोगों को हम बता रहे थे और ये मंदिर बहुत ही अच्छा है और नजदीक से भी दिख रहा है। तो मैं मंदिर पहुँच गई हूँ और ये मंदिर का गेट है मेन गेट और ये रोड पे ही है, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मंदिर बहुत ही भव्य है, जैसा मैंने बताया बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे आपको शांति मिलेगा। तो आप देखिए ये मंदिर को, मंदिर बहुत ही अच्छा तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते ही रहता है हमेशा, बट मैंने म्यूजिक को कट कर लिया है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक चलता है। और ये मंदिर 12 से 2 बजे तक बंद रहता है। मैं इस मंदिर का एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है, आपको फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए भी बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा मंदिर है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो आप यहाँ एक बार ज़रूर से ज़रूर आए, बहुत ही शानदार, रांची का सबसे बेस्ट मंदिर हमें लगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर आए। करके है मेहता रेस्टोरेंट, यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा देता है, हम लोगों ने खाया है और यहाँ पे एक बार ज़रूर खाएं क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी लगेगा आप लोगों को और आप बार बार आना चाहेंगे क्योंकि हम लोग खुद खाए हैं, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ बार भी है, यहाँ पे पी भी सकते हैं, यहाँ पे बार भी है और लोग यहाँ पे आ कर के पीते खाते भी हैं। मैं तो सलाह दूंगी कि पीजिए नहीं, बस खाइए। लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है और ये मेहता जो रेस्टोरेंट है उसके आगे भी आप जा सकते हैं बच्चों को लेकर के, वहाँ भी बहुत ही अच्छा है खेलने कूदने के लिए और घूमने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग हेलो ब्यूटी विद सलोनी।